जिला कांग्रेस कमेटी छतरपुर द्वारा दोपहर 1 बजे होटल 4 सीजन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल सहित कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने नगर विकास वचन पत्र का विमोचन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि अगर नगर की जनता कांग्रेस की परिषद चुनती है तो नगर विकास वचन पत्र के अनुसार विकास कार्यों को करेगी। इस अवसर पर कांग्रेस के 40 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। विराट 24 के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। दूसरे चरण में जो काम वार्डों में अपने भ्रमण का, लोगों के जनसंपर्क का जो शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत हो गई है। साथ ही साथ किन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उसका आज ये नगर विकास का वचन पत्र आप सबके सामने विमोचित हुआ है और जारी हो रहा है। अनुराग तो काम आए वचन पत्र, नगर विकास वचन पत्र आज आप सबके सामने दिया है। इसमें मेन जो मुख्य हाईलाइट है, पानी बिल माफ, हाउस टैक्स माफ, हर वार्ड में नगर पालिका का सेवा कार्यालय होगा और निजी कब्जे से मुक्ति दिलाएंगे, जनता के हाथ में होगी नगर पालिका, ये मुख्य विषय है। साथ ही साथ एक हमने 100 दिवस की एक कार्य योजना बनाई है, जिसमें 10 बिंदुओं को लिया है, जिसमें नगर के हर घर तक नियमित रूप से जल सप्लाई घरों को चिन्हित करके की जाएगी। हर वार्ड में नगर पालिका का ही कार्यालय होगा। शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार शिकायतों सुनने का अलग टोल फ्री नंबर होगा। सफाई के सघन साधन बढ़ाकर 100 दिवस के अंदर शहर में स्वच्छता अभियान को महाअभियान से जोड़ा जाएगा। आवारा मवेशियों सूरों को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। नवीन बस्तियों में 100 दिवस के भीतर नाली सड़क बिजली पानी पहुँचाने के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे। अवैध कॉलोनियों को मानक के रूप में अनुरूप वैध करते हुए सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। आगजनी के लिए होने वाली इसको नुकसान से रोकने के लिए एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। संपत्ति कर की दरों को घटाकर आधा करेंगे। मजबूत कॉल सेंटर के माध्यम से जनता से संवाद भी स्थापित करेंगे। दूसरा मुख्य मुद्दे ये है, भ्रष्टाचार से मुक्ति जनता के हाथों में नगर पालिका, उसके भी बिंदु है। स्वच्छता का संकल्प लिया है, जल संकट से मुक्ति करने का है। स्वास्थ्य के संबंध में भी विचार होगा, सड़क एवं परिवहन पर भी काम होगा, रोजगार का सृजन होगा, जल स्रोतों का पुनरुद्धार होगा, जिसमें खास तौर से राम जानकी कुंड जन आकांक्षाओं के अनुरूप सौंदर्यीकरण होती जाएगा।